राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई है। यूपीएससी ने आरोप लगाया है कि पूजा ने अपनी पहचान बदल बदल कर यूपीएससी की तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इसके अलावा यूपीएससी ने पूजा को नोटिस जारी कर सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर भी जवाब मांगा है। यूपीएससी ने कहा कि पूजा के खिलाफ गहन जांच की गई, इसमें पाया गया कि उन्होंने अपना नाम, माता पिता का नाम, सिग्नेचर, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर यूपीएससी का एग्जाम दिया। दरअसल पूजा पर ट्रेनिंग के दौरान पद का गलत इस्तेमाल करने और खराब आचरण करने का आरोप लगा था। सबसे पहले पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवासे ने पूजा के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया गया। इसके बाद पूजा खेड़कर पर पहचान छिपाने और ओबीसी विकलांगता कोटे के दुरुपयोग करने का आरोप लगा। केंद्र की कमेटी इसकी जांच कर रही है। 16 जुलाई को पूजा की ट्रेनिंग रोक दी गई और उन्हें मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी वापस बुला लिया गया। हालांकि वे अभी भी वाशिम में ही है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।